हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट। ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट की आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका, जो हम भी पहले बात कर चुके हैं आपका, उन लेक्चरों में ही क्या है कि आपका सिर्फ आपका क्या है कि पोलैरिटी चेंज होगी, सिर्फ ओनली एंड ओनली पोलैरिटी चेंज है आपका। ये वाली पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी, नहीं तो पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल वही पूरा का पूरा जो हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है वही आपका इसमें है। ठीक है, तो आप लोग इसमें हमारे पास हम टॉपिक पे आते हैं सीधे का सीधा। उससे पहले आप देख लीजिए आपका ईसीडी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है कि आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीडी में जो आपके टॉपिक डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, उनको हम अगले वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। अब हम देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं आपका। ये हमारा क्या है कि हमने एन सब्सट्रेट लिया है, इसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर ये हमने जो पी टाइप के आपके पी टाइप के मटेरियल है उनको क्या किया है, ये आपके इसमें चैनल की फॉर्म में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने बताया था आपको एनहांसमेंट में क्या है कि पहले से चैनल क्रिएट नहीं होता है, हम इसको क्या करते हैं, चैनल को हम इंड्यूस करते हैं। यहाँ पर चैनल को यहाँ पर हम इंड्यूस करते हैं, उसी में क्या है आपका एनहांसमेंट, इसीलिए इसका नाम है। तो उसमें करना क्या है, जैसे जैसे आप सबसे पहले इसमें देखिए, जब हम इस वीडीएस इक्वल टू क्या करते हैं, हम वीजीएस को तो जीरो कर देते हैं, तो वीजीएस इक्वल टू जीरो, तो आईडी कैसे जीरो है, आईडी इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पर कोई चैनल नहीं है, चैनल नहीं है, पाथ नहीं है, तो इसका क्या है कि आपका ना तो इलेक्ट्रॉन और ना होल्स का कोई भी आपका मोमेंट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंट नहीं होगा तो आईडी जो आपके ड्रेन करंट है वो आपकी जीरो होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको क्या करते हैं, इसको वीजीएस को नेगेटिव करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो इसको जब हम VGS इक्वल टू नेगेटिव लेते हैं तो VGS इक्वल टू नेगेटिव लेने पर आपका क्या है, आईडी की वैल्यू इंक्रीज होगी। कैसे होगी उसको देखिए आप, जैसे जैसे हम इसका क्या करते हैं, VGS की वैल्यू जो है आपकी, ये जो VGS की वैल्यू है इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो VGS की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्या है नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट होने के साथ ये क्या करेगा, आपके जितने भी यहाँ पर पी सब्सट्रेट में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, होल है, तो होल को ही क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो होल को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर ये अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पर क्या होंगे, जो होल्स का कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस एरिया में आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो होल का कंसेंट्रेशन किसकी वजह से हो रहा है आपका, वीजीएस इक्वल टू नेगेटिव लेने पर, तो वीजीएस इक्वल टू नेगेटिव क्या है आपका, हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो वो क्या करेंगे, होल को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर होल का कंसेंट्रेशन इस एरिया में बढ़ जाएगा। इस एरिया में इंक्रीज होने के बाद होल का कंसेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, आपका जो होगा उसमें क्या है कि आईडी करंट आपकी फ्लो होने लगेगी, और जैसे जैसे हम वीजीएस की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज जितना हम इंक्रीज करेंगे वीजीएस की वैल्यू को, उतना आपका आईडी करंट आपका इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑपरेशन रहा। अब इस ऑपरेशन में हम बात कर लेते हैं आपका सबसे पहले ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या है कि हम आईडी को, ये जो आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आईडी और वीजीएस के बीच प्लॉट करते हैं, सॉरी आपका आईडी और वीडीएस के बीच प्लॉटिंग करते हैं, आईडी और वीडीएस के बीच किसको करते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं, और आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को किसके, आईडी और आपका वीजीएस के बीच प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ये आपका ये वाला ये वाली प्लॉटिंग है, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, ये अलग अलग प्लॉटिंग है। ठीक है, तो अब इसको प्लॉटिंग में बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऐसे ऐसे आपका क्या है आईडी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जैसे ही हम क्या करते हैं, वीजीएस की वैल्यू इक्वल टू आपका वीटी के इक्वल टू हो जाती है, वीटी क्या है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह है वीजीएस की वह मिनिमम वैल्यू जिस पर आपका ये आईडी करंट फ्लो होने लगे और आपका यहाँ पर चैनल आपका क्रिएट हो जाए, चैनल क्रिएट हो जाए और आपका आईडी, जब चैनल क्रिएट होगा तो आपका आईडी करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक
ठीक है, तो यही आपका क्या है, वीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये माइनस टू है, यहाँ पर आप देखिए जब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये वाला जो ये वाली आपकी ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म क्या करती है, VGS इक्वल टू VT माइनस टू वोल्ट, क्योंकि हम VGS को किस में लिया है, हमने माइनस में। अब इसको देखिएगा आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि आपका अभी तक देखिए यहाँ पर क्या है आपका वैल्यू जीरो, और यहाँ पर क्या वैल्यू आपकी, ये वैल्यू जो इस पॉइंट पर माइनस टू, ठीक है। तो ये जो माइनस टू है आपकी, तो ये VGS इक्वल टू VT इक्वल टू माइनस टू, तो देखिए आप माइनस टू से ही क्या करेंगे इसको, माइनस टू से क्या करेंगे आप देखिए, तो माइनस टू पे क्या है, ये आपका VT है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो यहीं से क्या होगा आपका एनहांस होना स्टार्ट होगा, तो एनहांस क्या होगा माइनस टू। तो यहां से क्या है कि आपका जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू क्या करते जाएंगे, हम बढ़ाते चले जाएंगे, और VGS की वैल्यू ये देखिए VGS इक्वल टू क्या है VT, तो हमने यहां से क्या एनहांस होना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर भी एनहांस होना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम VGS की वैल्यू देखिए यहां से लेकर और यहां से और यहां से इस एरिया में देखिए, जैसे हम VGS इक्वल टू माइनस थ्री लेते हैं, तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये वाला आपका ओमिक रीजन है, ठीक है। तो ओमिक रीजन में क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है आपका वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, ये सैचुरेशन रीजन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये वाला पूरा का पूरा सैचुरेटेड एरिया है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जब हम VGS की वैल्यू को देखें -3 वोल्ट पर क्या कर देते हैं, उसको कांस्टेंट कर देते हैं, तो आपका क्या है जब हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो आपका क्या है कि करंट ये क्या इंक्रीज होती है, और करंट इंक्रीज होने की आईडी करंट क्या है, आईडी इंक्रीज होती है, आईडी इंक्रीज होती है, और उसके बाद एक फिर एक पॉइंट पर जाकर आपका सैचुरेट हो जाती है। देखो यहाँ इस पॉइंट से सैचुरेट हो गई, ऐसे जब हम VGS इक्वल टू माइनस फोर लेते हैं, तो ये क्या करेगी, यहाँ तक तो आपका इंक्रीज होगी, आईडी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। फिर हम VGS की वैल्यू क्या लेते हैं -5, तो आपका VGS की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से इस एरिया में तो क्या करें इंक्रीज हो रही है, उसके बाद सैचुरेट हो रही है, और यहाँ पर भी ऐसे ही हम क्या करेंगे VGS की वैल्यू -6 लेंगे, तो ये क्या है यहाँ तक यहाँ से और यहाँ तक आपका इंक्रीज करेगी इस ओमिक रीजन में, और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। ये प्रोसेस हमारा आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा इसको एनालिसिस कर चुके हैं, आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं है आपका, ये क्या हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर VGS के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं आपका एनालिसिस कर रहे हैं, किसका, आईडी वर्क करंट का। आईडी करंट क्या है आपका, ड्रेन करंट, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आप यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट इसको डिनोट किया है, ये पॉइंट टू पॉइंट आपके ये देखिए -2 वोल्ट -3 वोल्ट -4 वोल्ट -5 वोल्ट -6 वोल्ट, ठीक है। VGS की वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि हमने VGS नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका बुरा बताया मैंने, और ऑपरेशन आपको बताया कि ऑपरेशन में हो क्या रहा है आपका, ठीक है। ऑपरेशन में कुछ नहीं हो रहा आपका, VGS इक्वल टू जब आप नेगेटिव देते हैं, तो नेगेटिव देने पर और को कंसेंट्रेशन आपके इस एरिया में इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होने के साथ आपका क्या होता है कि आपके चैनल क्रिएट हो जाता है, चैनल क्रिएट होने के बाद आईडी करंट फ्लो होने लगती है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच और वॉचिंग फॉर वीडियो। इसके साथ साथ मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना इन वीडियो से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है कि भाई वो भी सीखेंगे इन सभी वीडियोज, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपका काफी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाया है। अब देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है, आप बुक में देखेंगे तो इस बुक में ये बेस्ट वीडियोस हैं, ये बेस्ट वीडियो मैं बार बार कहता हूँ, ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब आप उस कंटेंट को बुक में खोलेंगे, तो इस कंटेंट को बुक में खोलने के साथ साथ आपको तीन से चार घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे 10 से 12 मिनट में ही आपको ये बुरा का बुरा टॉपिक एलिबोरेट कर दिया है, और उसके साथ साथ इसका पूरा एनालिसिस बताया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर ऑपरेशन भी हो गया आपका, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आपका उज्जवल आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, सभी स्टूडेंट का और सभी फ्रेंड्स का, और मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।